गाइस आज मैं आपके साथ एक ऐसी अटैक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे मैंने लास्ट सीजन के लीडर बोर्ड रैंक 1 इट्सु के ऊपर 3 स्टार मारा है प्लस सम स्वैग स्पेल्स के साथ। तो गाइस बिना किसी देरी को करते हुए जल्दी से आपको आर्मी कॉम्पोजिशन दिखाता हूं, फिर चलते हैं अपने अटैक की तरफ। सो गाइस आज हम यूज़ करने वाले हैं अपनी ओवर पावर्ड आर्मी हाइब्रिड को, जिसके अंदर हमारे जो हॉग राइडर्स हैं उनकी अभी न्यू लेवल आई थी एंड जो हीरो इक्विपमेंट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा इजी होने वाली हमारी अटैक स्ट्रेटेजी। सो लेट्स डू दिस। सो गाइस करेंटली इट्स जो है अपना ये वाला बेस यूज़ कर रहा है, डायमंड शेप बेस है, प्लस जो सीसी यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आइस गोलम्स भरे हुए हैं इसमें। सो गाइस हम लोग जो अपना अटैक स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग 9 o'clock से, वो हमारा क्वीन चार्ज होगा। एंड गाइस यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग 9 o'clock पे अपनी क्वीन को डिप्लॉय करेंगे, कोकोलून भी डालेंगे जिससे कि माइंड टेस्ट हो जाए। एंड यहाँ पे हमारी हीलर्स आ गई, ऊपर की साइड एक सिनिकिंग गॉब्लिन से फनल बनाएंगे, एक सुपर वॉल ब्रेकर के साथ अपना किंग जाएगा। एंड किंग के हम लोग ट्राई करेंगे अर्ली एबिलिटी के लिए जिससे कि पूरा कंपार्टमेंट ये वाला जो है बहुत जल्दी डाउन हो जाए। एंड यहाँ पे हम लोग अपने किंग की एबिलिटी को यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारा किंग हो चुका है बिल्कुल जाइंटिफाइड, बड़े साइज़ का हो गया है। यहाँ पे सीसी लूट हो चुका है, यहाँ इसको फ्रीज करते हैं। एंड यहाँ पे किंग के ऊपर टेंशन नहीं है क्योंकि हमने फीनिक्स यूज़ किया है, यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर जाएगा, इवन मर भी जाएगा तब भी अपना सीसी को क्लियर कर देगा। इसी के साथ हमारा बेबी ड्रैगन नीचे अच्छा काम कर रहा है फनल क्रिएट करने का। यहाँ पे हम लोग सीज बैग डिप्लॉय कर देते हैं जिससे कि जैसे ही फनल क्रिएट होगा मैं यहाँ पे अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दूंगा। सबसे पहले माइनर्स, देन हमारे हॉग राइडर्स। इसी के साथ साथ अपने दोनों हीरोज़ को भी डिप्लॉय कर देंगे, वार्डन एंड रॉयल चैम्पियन को, जिससे कि वो मेन आर्मी को कोर में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करें। यहाँ पे हमने हीलिंग टोम यूज़ किया है वार्डन के ऊपर, सो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए पूरी आर्मी को सर्वाइव करवाना। और इसी के साथ साथ हमारी क्वीन ने पकड़ लिया है टाउन हॉल को, टाउन हॉल डाउन हो गया है। एंड हमारे क्वीन के ऊपर हीलर्स हैं तो कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी के साथ साथ गाइस हमने वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ कर लिया, हमारी पूरी आर्मी इस समय हील हो रही है। एंड हमारा सीसी भी आ चुका है जिसके अंदर हमने हॉग राइडर्स को यूज़ किया था। सिंपली गाइस अब हमारा फुल फोकस अपने स्पेल्स पे होगा, जो मेजर डिफेंसेस हैं उनको फ्रीज करते हुए चलना है। एंड अभी आप देख सकते हैं मेरे पास खूब सारे स्पेल्स बचे हैं। गाइस यहाँ पे हमारी पूरी ही आर्मी अभी तक जिंदा है। यहाँ पे सिंगल टारगेट इन्फर्नो क्रॉसबो को फ्रीज कर देते हैं एंड यहाँ पे अपना क्लीन अप भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड गाइस देखा जाए तो अब बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें सिंगल टारगेट वाली हैं एंड हमारे दोनों हीरोज़ की एबिलिटी भी अभी तक बची हुई है। तो ये वाला बेस तो हो चुका है गाइस ख़त्म, ऊपर हमारा क्लीन अप चालू है। यहाँ पे हम दोनों स्पेल्स को भी स्वैग कर देते हैं बूम बूम। एंड यहाँ पे हमने इट्सु के बेस को कर दिया है 3 स्टार, वो भी विद इन 2 मिनट्स के अंदर। सो यस गाइस मैं अब आपको अपने इक्विपमेंट्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमने किंग के ऊपर यूज़ किया था जाइंट कॉन्ट्रेट एंड रेज वायल को, एंड हमारे क्वीन के ऊपर यूज़ किया था फ्रोजन एरो प्लस इनविजिबिलिटी वायल। एंड इसी के साथ हमने वार्डन के ऊपर दोनों टॉम्स को यूज़ किया था इटर्नल एंड हीलिंग टॉम, एंड हमारे रॉयल चैम के ऊपर यूज़ किया था हेस्ट वायल एंड रॉयल जैम के ऊपर। तो गाइस इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं अपने दूसरे अटैक के ऊपर जिसके अंदर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस आर्मी के बारे में। तो गाइस आ चुका अपने सेकंड अटैक की तरफ, ये है हमारे आरोन भाई DBZ। ओके ड्रैगन बॉल जी के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे भी हमारा सेम प्लान रहेगा, विद इन 2 मिनट्स के अंदर ये वाला बेस भी हम लोग कर देंगे 3 स्टार। सो स्टार्ट करते हैं, टानोल की साइड पे जाएगा हमारा वॉल ब्रेकर, एक कुकलून जाएगा, फिर हमारे हीलर्स भी आ जाएंगे। नीचे की साइड से हम लोग अपने किंग को भी डाल देंगे जिससे कि वो हमारा फनल क्रिएट कर दे, हमारी क्वीन भटके ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भटक जाती है कभी कभी। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे क्वीन के साथ साथ हम लोग निकालें अपने टाउन हॉल को। सो इसी के साथ साथ हमने किंग के लिए खोल दिया है पूरा नीचे वाला कंपार्टमेंट, वो अब अपनी एबिलिटी को यूज़ करते ही पूरे कंपार्टमेंट को इसकी एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर देगा। यहाँ पे हमें रॉयल चैम्पियन भी मिल जाएगी एंड हमारी क्वीन वहाँ पे ऊपर बढ़िया काम कर रही है, अपना भटके ना इसके लिए अपना पहले से ही क्लियर करते हुए चल रही है। एंड यहाँ पे हमारा अगेन सीसी लूर हो गया है, हमारा किंग जो है सीसी लेने पट रहा है एंड हमारी क्वीन जो है अब टाउन हॉल से निपटेगी। एंड जैसे ही टाउन हॉल डाउन हो जाएगा हम अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा टाउन हॉल डाउन हो चुका है, अपने सीज पैरक को हम लोग डिप्लॉय करेंगे 12 o'clock पे। एंड जो हमारा एलेक्सा करेक्टर है यहाँ से हम लोग अपना डिप्लॉय करना स्टार्ट करेंगे पूरी आर्मी को, स्पैम ही कहेंगे उसको, पूरी आर्मी हम एक ही जगह स्पैम कर रहे हैं। बस आप गाइस देखते जाइए इतने से स्टेप्स के थ्रू पूरा बेस कैसे ऑब्लरेट होता है अभी।
यहाँ पे हमारी रॉयल चैंपियन पूरी आर्मी के साथ साथ अगेन पूरा कोर में जाएगी एंड डिस्ट्रॉय करेगी पूरे कोर को। यहाँ पे हमारी आर्मी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो हमने फ्री स्पेल और हीलिंग स्पेल का हमने यूज़ किया था। जैसे ही कोर में हम पहुँच जाएंगे एंड ये रहे हमारी बॉर्डन की एबिलिटी। बॉर्डन की एबिलिटी के अंदर गाइज अब तो मान लो बेस ख़त्म है, सिरसे के हॉक्स भी आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे क्वीनस हैं, पूरी हेल्थ के साथ साथ बढ़िया काम कर रही है। पूरे अभी स्कैटर शॉट यहाँ पे सब चीज़ें खा जाएगी हमारी क्वीन। पूरी की पूरी आर्मी जिंदा है, वहाँ से पैकास भी क्लीन अप करते हुए आ रहे हैं। प्लस साथ में गाइस आप बस देखते जाइए क्या हो रहा है इस बेस के साथ। सो गाइस देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर पूरे बेस की गति बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमारी रॉयल चैंपियन की एबिलिटी है, चारों स्पेल को हमने स्वैक कर दिया है। एंड गाइस आप लोग मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी ये वाली आर्मी। 2 मिनट के अंदर पूरे बेस को खा रहे हैं हम लोग, विद स्पेल को भी स्वैक कर रहे हैं एंड हमारे हीरोज़ की एबिलिटी को भी। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और रिप्ले ले आऊँ मैं आपके लिए। यहाँ पे भी हमने क्वीन को डिप्लॉय कर दिया है, हीलर्स आएंगे, कोकलून जाएगा माइंड टेस्ट करने के लिए, एक वॉल ब्रेकर डालेंगे, नीचे का कंपार्टमेंट खोल देंगे, बेबी ड्रैगन आएगा यहाँ पे थोड़ा सा फनल क्रिएट करने के लिए, जैसे किंग अपना ना भटके यहाँ पे। एंड गाइस देखिए किंग की एबिलिटी हम जो जैसे ही अंदर चला जाएगा इस कंपार्टमेंट के, इसी के साथ साथ हमारा किंग पहुँच चुका है इस कंपार्टमेंट के अंदर। जैसे अंदर की साइड जाएगा एंड ये रही हमारी एबिलिटी, रॉयल चैंपियन गई एक साथ। गाइस इतनी सारी बिल्डिंग्स को टारगेट करता है भाई, क्या होता हूँ। अब यहाँ पे हमारी क्वीन के लिए भी रास्ता यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे क्वीन जाएगी टाउन हॉल के पास, टाउन हॉल को निकालेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनविजिबिलिटी वहाँ पे टावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्वीन को रेज करेंगे, थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा था, किंग भी यहाँ पे है तो इजीली किंग को भी टेक डाउन कर देंगे अपना। फ्रोजन एरो भाई बहुत ज़्यादा ओपी है, मैं तो गाइस डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा फ्रोजन एरो हुआ, जाइंट ग्रॉन्टलेट हुआ, जल्दी से जल्दी इनको मैक्स कर लो। अगर मैक्स करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको देखनी है वाली वीडियो। एंड यहाँ पे गाइस इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे हमको टाउन हॉल मिल जाएगा, ऊपर सीज पैरक डिप्लॉय करेंगे, हमारी मेन आर्मी आ जाएगी। मुझे लग रहा है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे बेस के साथ क्या होने वाला है। गाइस सीरियसली जो आर्मी है ये वाली हाइब्रिड वाली, माइनर्स प्लस हॉग राइडर्स, बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पहले हम लोग टाउन हॉल 13, 14 और 15 पे यूज़ करते थे, बट जैसे ही टाउन हॉल 16 पे इसका न्यू लेवल आया ना गाइस हॉग राइडर का, पूरा गेम चेंज कर दिया है इसने। बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुकी है ये वाली आर्मी एंड मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ये वाली आर्मी पे सर्च करो। सारे के सारे 320 हिट कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे लेजेंड लीग पे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है गाइस, पूरे हमारे पास अभी भी स्पेल्स बचे हैं, एबिलिटी बची है एंड यहाँ पे बेस नहीं बचा बस। तो गाइस यस, इसी के साथ साथ आई होप आपको ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो और इसी के साथ साथ कोई और अटैक स्ट्रेटजी भी आपको सीखनी हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा आसान तरीके से वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि गाइस मैं भी एक बहुत बड़ा स्पैमर हूँ, बिकॉज गाइस मेरी गो टू आर्मी ही ई-ट्रैक वाली रहती है, तो आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ साथ आपको कोई और टाउन हॉल के अटैक स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए तो मुझे एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो बना दूंगा। सो गाइस तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट, कीप फ्लैशिंग।